नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। मैं बारिस मर्ज। जी, आज हम बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर तो वैसे अपने बयानों के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, और एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी सेटिंग करने में माहिर है, और वो उनसे भी अच्छी सेटिंग कर लेती है क्योंकि उनके पास धन और बल दोनों है। एक बार फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती पर भी निशाना साधा है। आइए आपको बताते हैं क्या कुछ बोला है ओम प्रकाश राजभर ने। ओपी राजभर बोले, बड़े बड़े पहले यहाँ घुटने टेक चुके हैं अखिलेश यादव पर कि आज जुबानी हमला। सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी सेटिंग करने में माहिर है। सपा नेता ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। एबीपी न्यूज से खास कार्यक्रम नाश्ते पर नेताजी में संवाददाता मनोज लाईवाला से एक्सक्लूसिव बातचीत में राजभर ने कहा कि अखिलेश दिन में भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, रात में गुलदस्ता लेकर मोदी योगी की शरणम गच्छामि। कार्यक्रम के दौरान राजभर ने कई सवालों के जवाब दिए। ये पूछे जाने पर कि चुनाव के समय ओम प्रकाश राजभर की सेटिंग कैसे सही हो जाती है, राजभर ने कहा कि आज की राजनीति में सेटिंग करने में बीजेपी तो माहिर ही है, हम भी हैं, लेकिन सत्ता और ताकत के दम पर वो हमसे बेहतर सेटिंग करती है। राजभर ने कहा कि देखिए, हम गुलदस्ता लेकर गुलामी का एहसास कराते हैं, जो आज़ादी के 76 साल में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नौकरी से वंचित हैं। हम उनके बीच में रहते हैं और उन्हीं के दम पर बड़े बड़े पहलवान इस छोटे से कार्यालय में घुटना टेकते हैं। बीएसपी चीफ पर बोले राजभर। पार्टी के गठबंधन से जुड़े सवाल पर राजभर ने कहा कि मैं पहले गांव गांव गली गली घूम और अपनी समाज के लोगों को जागृत किया। 14 साल तक मैंने ये काम किया। केंद्र में कांग्रेस, राज्य में सपा, संस्थापक मुलायम सिंह यादव, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंत्री बनाने का ऑफर किया, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था, हम अपने समाज के लोगों को शिक्षित करें, उसमें मुझे 98% तक सफलता मिली। उन्होंने कहा कि मैं अपने दम पर नहीं, गरीबों के दम पर बोल रहा हूँ। बीएसपी चीफ मायावती पर राजभर ने कहा कि वो 4 बार सीएम रही, यहाँ ये ज़रूरी है कि वो एक्टिव नहीं है, इसलिए लोग साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन उनका जो मूल वोट है वो आज भी उनके साथ डटा हुआ है।